माटी का क्या तो पैसवानी, मानस की गत जिहबा एक कवन गुण कही है, बेशुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत ना ते लही लही है, दंडौत बंधन अनकवा सर्व कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर जुगो जुग अटल। हाजरा हजूर, सर्व कला भरपूर, चवर तखत दे मालक, लोक अते परलोक दे सहायक, दीन दुनिया दे वाली, शब्द गुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र मुबारक गोद अंदर जुड़ बैठी गुरु सवारी साध संगत जीओ, बडभागे हाँ जिन्हां नूं धन श्री गुरु नानक पातशाह महाराज सिख धर्म दे बानी तिन्हां दे प्रकाश पुरब ते एकत्र होण दा अते सतसंगत करन दा सुभाग अवसर प्राप्त होया है। आपां अज तीसरे पड़ा ते पहुंच करके सतगुरां दी बाणी गुरमत विचारां दे नाल सांझ पा रहे हां। विचारां दी आरंभता तो पहला जिन्नियां भी संगतां पातशाह जी दी पावन गोद अंदर सज बैठिया ने, कोई भी रसना गुर फतेह तो वांझी ना रवे। सरबत माई भाई गज के फतेह बुलाओ, आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वड्डे भाग ने अपने सारिया दे गुरु की पावन गोद विच आपां जुड़ बैठे हाँ। गुरु के जेड़े कौतक, गुरु दियां वडियाइयां अकथ ने, क्योंकि बंदे अंदर कोई एक दो गुण हो गए ते वो समाज ते रौला पाउंदा है कि मैनू इस आह मेरे अंदर गुण है, मैं बिजली का बड़ा वड्डा मकैनिक हाँ, मैं लकड़ी का बड़ा वड्डा कारीगर हाँ, मैं कोठियां बना लैना, मैं राजगिरी का काम करदा। एक दो गुण ने, बैनर लाए जाते ने, पोस्टर लाए जाते ने, पर वह अकाल पुरख वाहिगुरु धन गुरु नानक पातशाह महाराज जिन्हां दे गुणां नूं वख्याण नहीं किया जा सकता। तुच्छ बुद्धि अनुसार आपां उन्हां दी विचार कर रहे हां। कल दे दीवाना विच आप जी ने सरवण किया सी किवें गुरु नानक पातशाह महाराज उन्होंने सरकारी नौकरी की, किवें तेरह तेरह पातशाह जी ने तोलियां। रस्ते दे विच भी भैन जी शब्द मक्के दा पढ़ रहे सी ते भाई साहब जी उन्होंने भी हुण शब्द जिहड़ा सी इत्थे आण के गुरु साहब जी उन्हां दे नाल मुसलमाना जो वार्तालाप होया उस समय काजी मलाणिया का होया, वो शब्द आप जी नाल सांझा कीता। चुप दा दान बख्शिश करियो, ध्यान सुरत नूं एकागर करियो, किसी भी तरह के नाल सुरत तुहाडी खिंडरे ना। हर चीज ध्यान मंगदी है, जे ध्यान ना विच होवे ते कई बारी काम जिहड़ा विगड़ जांदा है। एक्सीडेंटा के बड़े बड़े कारण तां बनते ने, मौके ते बंदे दा ध्यान उत्थे नहीं हुंदा। मैं कई बार स्टेज से बेनती करता हुंना, भैणा
ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫੁਲਕਾ ਜਾਂ ਤੇ ਕੱਚਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੜ ਜਾਵੇਗਾ, ਲੂਣ ਜਾਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਧ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਧਰਮ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਮਨ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਓ ਆਪਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਗਦਾਦ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਕੌਣ? ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਗਿਆ ਬਗਦਾਦ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੀਆ ਅਸਥਾਨਾ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਿਓ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਗਿਆ ਬਗਦਾਦ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੀਆ ਅਸਥਾਨਾ। ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠ ਗਏ, ਅਸਥਾਨ ਬੈਠ ਕੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਦੂਜਾ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ, ਦੂਜਾ ਰਬਾਬੀ। ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਦੂਜਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ। ਦਿੱਤੀ ਬਾਂਗ ਨਿਵਾਜ ਕਰ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਦਿੱਤੀ ਬਾਂਗ ਨਿਵਾਜ ਕਰ, ਦਿੱਤੀ ਬਾਂਗ ਨਿਵਾਜ ਕਰ, ਸੁਨ ਸਮਾਨ ਹੋਆ ਜਹਾਨਾ। ਨਿਵਾਜ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਾਂਗ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਰਬਾਬ ਛੇੜ, ਰਬਾਬ ਵਜਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਂਗ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਇੱਕ ਓ ਅਹੰਕਾਰ, ਇੱਕ ਓ ਅਹੰਕਾਰ। ਨਾਲੇ ਰਬਾਬ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਚੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਇੱਕ ਓ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਨਵਾਜ ਪੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਂਗ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸੁਨ ਸਮਾਨ ਹੋਆ ਜਹਾਨਾ, ਸਾਰੇ ਬੰਨੇ ਸੁਨ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਸੁਨਸਾਨ ਐਨ ਚੁੱਪ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸੁਨ, ਤੇ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ, ਸੁਨ ਮੁਨ ਨਗਰੀ ਪਈ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਸੁਨ ਮੁਨ ਨਗਰੀ ਪਈ। ਆਹ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਨਗਰੀ ਸੁਨ ਮੁਨ ਹੋ ਗਈ, ਦੇਖ ਪੀਰ ਪਿਆ ਹੈਰਾਨਾ। ਪੀਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਤੇ ਨਗਰੀ ਸੁਨ ਮੁਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਾਓ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਨਗਰੀ ਸੁਨ ਮੁਨ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ ਕੌਣ ਹੈ। ਵੇਖੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾਏ ਕਰ, ਵੇਖੇ
ध्यान लगाए कर एक फकीर वड्डा मस्ताना वेख्या जो जाके ते की है एक फकीर वड्डा मस्ताना चेलिया ने जाके दसिया जी उत्ते ते एक फकीर है अते उदे नाल एक साथी है वह अपने आप नूं कहिंदा मैं इहदा भरा वां ते मेरा नाम भाई मरदाना पुछया फिर कै दस्तगीर दस्तगीर अपने चेलिया चपटिया नूं नाल लैके ते गुरु नानक पातशाह महाराज कोले पहुंच गए कहिंदे उहनां ने गुरु नानक जिहड़ा अपने आप नूं नानक खवाउण वाला उहने दो गलतियां कीतियां ने बगदाद विच आण के दो गलतियां कीतियां ने केड़ियां एक ते बगदाद विच आण के कोई साज नहीं वजा सकदा दूसरे इत्थे आण के उहने साडियां साडे धर्म नूं चैलेंज कीता इत्थे आण के कुछ उहने होर फकीर दी आण के कलम पढ़ी है कलाम पढ़ी है ये दो गलतियां ने ते जिन्ने उहदे नाल चेले चपटे सी सारे ने रोड़े चक ले इट्टां चक लियां कहिंदा जदों मैं इशारा करूं तुसीं जिहड़ा आया ना साध फकीर उहदे मार देने रोड़े मारने शुरू कर देने ने सारे जने इकट्ठे हो गए एन त्यार बर त्यार भी जदों पीर दस्तगीर ने हुक्म किया साडे वल्ले इशारा किया असीं उस फकीर दे रोड़े मारने ने किटा मारनियां ने सुनियो पुछया फिर कै दस्तगीर कौन फकीर किसका करहाना कौन फकीर किसका करहाना नानक कल विच आया रब फकीर इको पहचाना पातशाह कहिंदे गुरु नानक पातशाह महाराज कह लगे जदों जाके वार्तालाप होई ना पीर दस्तगीर दी तू कौन है कित्थों आया ते जांदे ही गुरु नानक पातशाह महाराज ने एक शब्द होर पढ़िया केड़ा पाताला पाताल लख केड़ा पढ़िया जी पाताला पाताल लख आकाश आकाश पीर दस्तगीर कहिंदा एक गलती होर कर ली साडे धर्म ग्रंथ विच सत आकाश ते सत पताल दस्से नी तू लखां दी गल कर रहा यह भी गलती है साडे पैगंबर ने सत्तां दी गल कीती है तू लखां दी गल कर रहा है पीर दस्तगीर दियां अखां लाल है गुस्से विच है ते बाबा नानक जी कहन लगे गलत तुहाडे पीर ने भी नहीं लिखिया तुहाडा पीर भी सच्चा है उहनूं सत्तां दे दर्शन होए उहने सत्त वेखे उहने सत्तां बारे लिखता मैनूं लखां बारे मैं देखिया मैं लख वेखे ने मैं लखां बारे लिखता सभना लिखिया बुरी कलाम जिन्नी जिन्नी किसे नूं सोझी सी उहनां ने लिखणा कीता तुहाडे पीर ने साथी वेखे होणगे उन्हें सत्तां बारे लिख दिता मैं लख वेखे ने मैं लखां बारे लिखिया हुण पीर दस्तगीर कहिंदा जे तुसी लख वेखे ने ते सानू दिखा लो जे तुसी लख वेखे ने सानू भी दिखा लो ते गुरु नानक पातशाह महाराज कहन लगे मैं दिखा सकदा जदों ये गल होगी तो वह जिदे चेले चपटे से चारे कह लगे हुण ते देखण दिखाउण की गल आ गई आ वटे हत्थां विचों डिग पए रोड़े जिहड़े हत्थां विच फड़े सी डिग पए भी हुण ते गल देखण दिखाउण की आ गई है वह कहिंदा दिखा लो गुरु नानक कह महाराज कहिंदे दिखाल देंगे दिखाल दिंदे आ जे लखां की गल तू कहिंदा मैं देखणे आ ते दिखाल दिंदे आ बाबा नानक जी पीर दस्तगीर नूं कहन लगे इहनां विचों जिहदे ते भी तैनूं विश्वास हैगा जिहदे ते भी तू भरोसा करदा मेरे सामने लियाण के बिठाल दे मैं उहनूं लख पाताल लख आकाश दिखाल देंगा पीर ने अपने चेलियां वल्ले देखिया किसे ते उहनूं विश्वास ना आया किसे ते उहनूं भरोसा ना आया
पीर ने अपने बेटे की बांह फड़ी है, अपने पुत्र की बांह फड़ी है, कहिंदा मैनू अपने पुत्र ते भरोसा है, अपने पुत्र नू बांह फड़ के गुरु नानक पातशाह महाराज दे अगे बिठाल दिता। कहिंदा जी मेरे पुत्र नू तुसी दिखाल दिओ। गुरु नानक पातशाह महाराज पीर दस्तगीर दे पुत्र नू कहन लगे अखां बंद कर, अखां बंद करके बोल। एक ओंकार की बोल, एक ओंकार। जदों पीर दस्तगीर दे पुत्र ने एक ओंकार उचारण किया ते एक छिन्न मात्र दे विच उहनूं लख पाताल लख आकाशां दे दर्शन हो गए। कल्ले दर्शन ही नहीं होए, जिथे पहुंचया उथों जाके प्रसाद भी दवाया। गुरु साहब ने आखो सतनाम ऐसी कला धार वाला। हुण गुरु नानक पातशाह महाराज पीर दस्तगीर नूं कहिंदे आ कि अपने पुत्र नूं पुछ भी इहने लख पातालां ते लख आकाशां दे दर्शन कीते आ, अखां बंद ने पीर दस्तगीर दे पुत्र दीआं। पीर दस्तगीर अपने पुत्र नूं बहु फड़ के हलूंदा है, हलाउंदा है, कहिंदा बेटा बेटा दस तू लख पातालां दे जो पीर कह रहा है, जो ये मुरशद कह रहा, तू दर्शन किते आ। कन्नां विच आवाज पई अपने पिता दी ते अखां दे विच पाणी वह तुरिया, अखां दे विचों हंजू वह तुरे आ। इह ते गल ओह होगी गुंगे ने गुड़ खाधा ते उहनूं पुछिआ जावे कि इहदा सवाद किन्ना, कदे गुंगा दस नहीं सकदा कि इहदा दवा सवाद किन्ना, कि जिहड़ा देखदा उहनूं ही पता हुंदा कि इहदा जिहने चखिआ उहनूं ही पता कि इहदा सवाद किन्ना क है, इहदा मजा किन्ना क है, किन्ना क मिठास विच है। पीर दस्तगीर दे पुत्र दीआं अखां विच पाणी है ते गुरु नानक पातशाह महाराज दे चरणां ते सिर रख दित्ता पुत्र ने। अपने पिता नूं कहिण लगा तरत आकाश चौ दिस जाना, कहिंदे कल्ली धरती ते आकाश नहीं चौ दिशां दे भी मैनूं दर्शन हो गए, मैनूं लख पाताल लख आकाशां दे दर्शन। इस इहनूं तुसीं आम मनुख ना समझ बैठे हो। अपने पिता नूं कहिण लगा इह अकाल पुरख गुरु नानक पातशाह महाराज बगदाद दी धरती ते आप पधारे ने, आप वाहिगुरु कला धार जग मैं परवरे हो, ये आप अकाल पुरख जिहड़े बगदाद की धरती ते आए ने। कला पीर दस्तगीर नहीं, कला उहदा पुत्र ही नहीं, जिन्हें भी उत्थे उहदे चेले चपट सी सारे गुरु नानक पातशाह महाराज के चरणों ते डिग पए। उन्होंने पीर कह के गुरु नानक पातशाह महाराज नूं बगदाद की धरती ते पूजना शुरू कर दिता। आखो सतनाम। उहदे किहड़े गुणां की गल करिए, आओ जेबा एक ते कवन गुण तेरे, सारे बोल रहे हो कोई रसना बांधी ना रवे। मैं केड़े केड़े गावा मालका, जेबा एक ते कवन गुण तेरे, मैं केड़े केड़े गावा मालका, जेबा एक ते कवन गुण तेरे, मैं केड़े केड़े गावा मालका, जेबा एक ते कवन गुण तेरे, मैं केड़े केड़े गावा मालका। वाह वाह, मैं केड़े केड़े जी गावा मालका, मैं केड़े केड़े जी गावा मालका, वाह वाह, मैं केड़े केड़े जी
गावा मालिका मैं केड़े केड़े जी गावा मालिका जेबा एक ते कवन गुण तेरे कवन गुण तेरे मैं केड़े केड़े गावा मालका जेबा एक ते कवन गुण तेरे मैं केड़े केड़े गावा मालका रमैया के गुण चेत परानी 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 कवन मूल ते कवन दृष्टानी कवन मूल ते कवन दृष्टानी मैं तेरे गुण अनेक ने सच्चे पातशाह मैं केड़े केड़े गावा रमैया के गुण चेत प्राणी कवन मूल ते कवन दृष्टानी जिन तू साज सवार शिंगारिया गर्भ अगन मैं बार व्यवस्था तुझे प्यारे भर जोबन भोजन बिरध पया ऊपर सात बिरध पया ऊपर पातशाह तेरे गुण रमे होए मालक जी बाबे नानक जी तुहाडे गुण आ मैं केड़े केड़े गावा तुसी मैनू जीवन दिता मैनू शरीर दिता मैनू कला साजिया सवारिया छंगारिया ही नहीं इहदे विच आत्मा इहदे विच जान इहदे विच सवास भी तुसी पैदा पाए ने तुहाडी मर्जी ना होवे ते बंदा एक सवास नहीं लै सकदा मैं आदमी हाँ एक दबी आपां नूं गुरमुख प्यारे भागां वालिया समा मिलिया ਇਹ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਅਜਾਇਆ ਨਾ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੋਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਆ ਇਹ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਖੁੰਝ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਈ ਜਨਮ ਪਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ ਕਈ ਜਨਮ ਗੱਜ ਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ ਬੜੇ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਏ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਮਤ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜਾਅ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ